आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है और यहाँ पे कॉल आपके फ़ोन की स्क्रीन पे शो नहीं होता है या फिर आपके फ़ोन की डिस्प्ले पे कॉल शो नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब अपने फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट या फिर मैनेज ऐप्स ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए और नीचे आने पर आएगा आपके मोबाइल का डायलर यानी कि फ़ोन ऐप। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोन के नाम से आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप ये देख सकते हैं फ़ोन ऐप आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे आने के बाद आएगा नीचे फोर्स स्टॉप, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ओके करिए। ऊपर आएगा स्टोरेज या फिर स्टोरेज यूसेज, तो इस पर क्लिक करिए। नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ फ़ोन से आपके डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। तो यहाँ पे ये करने से आपके फ़ोन से कोई डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैक आइए। उसके बाद नीचे आएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, तो अगर आपका ये ऑफ़ है तो इसे ऑन करिए। इसे ऑन करने के बाद ये जो नीचे सारे नोटिफिकेशन आएंगे ये अगर आपके ऑफ़ हैं तो ये सारे नोटिफिकेशन इसी तरीके से चालू करिए और उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने पर फ़ोन के नीचे फ़ोन सर्विसेज आएगा, इस पर क्लिक करिए। फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पर क्लिक करिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। तो ये करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाइए और यहाँ पे उसके बाद अब चेक करिए आपका कॉल फ़ोन के डिस्प्ले पे शो हो रहा है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई है तो यहाँ पर इसे ठीक करने के लिए मैनेज ऐप्स में यानी कि ऐप मैनेजर में ऊपर राइट में ये तीन डॉट आएंगे, इन तीन डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करिए। नीचे रीसेट ऐप्स आएगा तो इस पर क्लिक करिए और ये करने से कोई आपका एप्लीकेशन या फिर कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पर रीसेट ऐप्स पर क्लिक करिए और ये प्रोसेस करने के बाद अब अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए और अब यहाँ पे चेक करिए आपके फ़ोन पे कॉल डिस्प्ले पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये पहले से कर लिया है तो इसे बैक करेंगे, बट आप रीसेट ऐप्स पे क्लिक करिए और ये प्रोसेस, ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप अपनी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।